राजस्थान प्रदेश में स्थित भीलवाड़ा जिला अपने नाम की एक अलग ही पहचान रखता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित भीलवाड़ा अपने कपड़ा व खनिज उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मेवाड़ व मारवाड़ के बीच बसा भीलवाड़ा जिला फर चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP का मुख्य उद्देश्य मिट्टी, वनस्पति आवरण और वर्षा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण और विकास करके परिस्थिति के अनुसार संतुलन को बनाए रखना है। इस संतुलन में मिट्टी की कटाई को रोका जा सके, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन हो, वर्षा के जल का संचयन कर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके, बहुफसल और विविध कृषि आधारित गतिविधियों की शुरुआत हो सके, ताकि जल ग्रहण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करने में मदद मिले। जल है तो जीवन है। जल एक अमूल्य धरोहर है। प्रकृति प्रदत्त इस वरदान को सहेजना एवं आने वाले कल के लिए संरक्षित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि की निर्भरता वर्षा पर है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां आजादी के बाद अब तक पानी की समस्या बरकरार है। राजस्थान में कुदरत ने कितनी बार अपना कहर बरसाया है। कभी सूखा तो कभी अकाल, आवश्यकता है जल ग्रहण एवं जल संग्रहण की योजनाएं बनाने की और वर्षा के जल को विभिन्न इकाइयों के माध्यम से इकट्ठा करने की योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभ पहुंचाने की। जिले को 17 तहसीलों में बांटा है, जिसमें से एक पंचायत समिति रायपुर है। राजस्थान सरकार की IWMP के तहत वर्ष 2019 व 2020 में भीलवाड़ा जिले के पंचायत समिति रायपुर में 10 ग्राम पंचायतों में IWMP 26 व IWMP 16 के तहत विभिन्न गतिविधि की गई। इन गतिविधि में सेंट्रल फॉर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी CCT, MPT, फॉर्म पॉन्ड, चाराग्रह विकास के साथ ही पौधारोपण के विभिन्न कार्य भी किए गए। रायपुर ब्लॉक
पंचायत खेमाणा के ग्राम कल्यावड़ी में 5 हेक्टेयर एरिया में लगभग 18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी गई व साथ ही चारागृह विकास का कार्य भी किया गया। ग्राम पंचायत खेमाणा में राजस्व गांव गुलियावड़ी में चरागाह में करीबन 20 बीघा में एक नर्सरी का जो प्लांटेशन किया गया उसमें चारों ओर तारबंदी कर रखी है और एक ट्यूबवेल चौकीदार के लिए गमला चौकीदार और सोलर पंप सेट लगाया हुआ है। इस प्लांटेशन से आने वाले समय में फलदार पौधे लगाने से ग्राम पंचायत में निजी इनकम शुरू होगी और पंचायत एक आत्मनिर्भर बनेगी और फलदार व छायादार पौधा लगाने से पर्यावरण भी शुद्ध होगा। ग्राम पंचायत नाथड़ियावास के पनोतिया ग्राम व नादशा नहारी ग्राम पंचायत में चारागृह विकास का कार्य भी किया गया। चारागृह विकास में फलदार लगभग 5,000 व छायादार लगभग 3,000 पौधे लगाए गए जिसको सोलर ऊर्जा व ट्रिप सिंचाई द्वारा पानी उपलब्ध कराया गया। यह बूंद बूंद सिंचाई पौधों के लिए जीवन वरदान साबित हुई। इसके साथ ही 25 फार्म पॉन्ड का निर्माण भी किया गया। ग्राम पंचायत खेमाणा के गलावड़ी के किसान नारायण बताते हैं कि फार्म पॉन्ड ने पूरे गांव की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। बोलूं ग्राम मतलब गलावड़ी है मारो, ग्राम पंचायत खेमाणा है, तहसील रायपुर है, जिला भीलवाड़ा है। या जलग्रहण योजना जो मतलब यो खाडो गवर्नमेंट बनायो है यो बहुत बढ़िया कीधो है। एक तो मतलब पानी बैन निकल जातो हो जो मतलब यो खाडो बनबो मतलब इकट्ठो भी हो और इकट्ठो हो मतलब कूड़ा का महीने भी पानी फूटिया है और खेती के लिए भी मना मतलब इमो पानी निकालियो है, खेती भी की दी है, जीव जनावर भी पानी पिए का महीने, बढ़िया योजना है। नादशा के सरपंच पेरो सिंह चुंडावत बताते हैं कि अब तक उनके क्षेत्र में IWMP के कार्यों से लोगों की परेशानियों का स्थायी समाधान निकला है। मैं भैरव सिंह चुंडावत सरपंच ग्राम पंचायत नानसा। ग्राम पंचायत नानसा में जलग्रहण विकास द्वारा कराए गए विकास कार्यों में ये नर्सरी के अंदर छायादार पौधे फलदार पौधे लगाए गए हैं, उससे आज की तारीख में बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और आने वाले समय में ये फलदार पौधे ग्राम पंचायत की आमदनी को भी बढ़ाएंगे और एक हरा हरियाला राजस्थान जो सरकार का एक माध्यम है वो भी सपना साकार होने जाएगा। और जलग्रहण विकास के कार्यों से जो जल स्तर ग्राम पंचायत नानसा में बढ़ा है निश्चित रूप से आम किसान और आम आदमी को इसका फायदा हुआ है। पूरे रायपुर ब्लॉक के IWMP के कार्यों में लगभग 30 हेक्टेयर में CCT का कार्य किया गया जो बरसात के पानी को रोकने वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए कारगर साबित हुआ। इसी के तहत 25 फार्म पॉन्ड का निर्माण कार्य भी किया गया जिसमें प्रत्येक पॉन्ड में पानी की भराव क्षमता 1500 क्यूबिक मीटर है। भूमि की नमी व उर्वरक क्षमता बढ़ाने हेतु मेढ़बंदी के कार्य किए गए जिसमें 350 किलोमीटर एरिया शामिल है। ये विभिन्न योजनाएं इन इलाकों के लिए वरदान साबित हुई है। शिवराज सिंह चारण प्रधान पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान। 2020 जो ग्राम पंचायत समिति द्वारा जो ग्राम पंचायतों में काम कराए गए पूरा संपूर्ण ब्लॉक पंचायत समिति में एक सराहनीय कदम है जिससे
अपने फार्म बोर्ड का काम किया, जिससे जल स्तर बढ़ा और काश्तकारों को जो पानी इकट्ठा हुआ वो पहली पिलाई में जब कोई बारिश नहीं हुई तब उसको पिलाई में काम आया, जिससे आमदनी भी बढ़ी, फसल अच्छी हुई। जलग्रहण विकास के अंदर जो MPT का जो काम हुआ बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि MPT का जो भी काम हुआ जिससे आसपास के जितने भी कुएं थे जल स्तर बढ़ाए और कुएं में पानी की कमी नहीं रही। इससे पहले जब ये नहीं था उससे पहले पानी कुएं टूट जाते थे और फसल नहीं हो पाती थी और आज अच्छी है। मेड़बंदी के लिए जो मेड़बंदी करवाई गई संपूर्ण 2 लाख के लगभग मेड़बंदी की, पहले कटाव ज़्यादा होता था और पानी रुकने के बावजूद ये भी जल स्तर बढ़ाए, एक बहुत ही सराहनीय कदम है वाटर सेट द्वारा।